यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ पी इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड क्यू इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इनवर्स। अब देखिए, मैं आपको एक चीज हमेशा जब पढ़ाता था तो मैंने आपको बोला था कि ये तीन कंसेप्ट बहुत यूज में आएंगे। जब हम लिखते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो हम बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ, ये सब चीज़ें फाउंडेशन कोर्स में बहुत डिटेल में कवर की गई थी, उसके आपने बिल्कुल फायदे उठाए होंगे। ये वन, तो अगर मैं एक को पी और एक को वन बाय पी बोल दूं तो हमेशा वन मिलेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर बाय लॉजिक अगर हम समझें तो पी ये दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्यू क्या दिया है वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यस और नो, या चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो तो क्यू भी यही दिया है, क्यू भी यही दिया है। तो अब आपको केवल करना यह कि अब आपसे पूछा है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो एक्चुअल में पी क्यू के इक्वल दिया है, पी इक्वल टू क्यू। कैसे, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं इसको रेशनलाइज कर दो तो ये, सॉरी मैंने थोड़ा सा कहीं पे, क्योंकि मैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर मैं बोलूं रेशनलाइज कर दो तो आप यही लिखते कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग कर सकते हैं। तो क्यू इक्वल टू देखिए क्या आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन तो वन हो गया, पी इक्वल टू क्यू। कई बार जल्दबाजी में आप ये कर सकते हो पी क्यू इक्वल टू वन, पी क्यू इक्वल टू वन नहीं होगा, क्योंकि वो क्यू जो है वो वन अपॉन दिया। अगर क्यू ऐसा दिया होता, समझिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हाइएस्ट मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, देन पी इंटू क्यू करते तो वन मिलता है, ये वन अपॉन दिया है तो पी इक्वल टू क्यू। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये मिलता है, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये मिलता है, इसका मतलब P इक्वल टू Q इज आर राइट आंसर। बी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना, ऐसे ही गड़बड़ होती है क्वेश्चंस में, और कोई रीजन नहीं होता गड़बड़ होने का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:3 देन द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द रेशियो। आपको याद हो हमने करा भी यही था, मैंने आपको बोला था 30, 60, 90 लो, करस्पॉन्डिंग साइड 1√3, 2। अगर आप ध्यान दो तो 1:2:3 ही है, इसका मतलब आंसर भी क्या हो गया 1√3, 2। ये ट्रिक बताई थी आपको किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है, फॉर एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी इज नॉर्मल फॉर्म, ये हमने पढ़ी है, नॉर्मल फॉर्म है। The length of perpendicular from the point alpha beta to the line alpha cos theta plus beta sin theta plus p equal to p, ये बोला है, okay? तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप समझिए, अगर अल्फा बीटा से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, पहले तो लाइन ऐसी है x cos theta plus y sin theta minus p equal to 0। अब मैं बोलूं कि अल्फा बीटा से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो आपको मिलेगा अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा माइनस पी अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब लॉजिकली मिलेगा अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा माइनस पी। यहाँ पर प्लस पी दिया है क्वेश्चन में, केयरफुल रहिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने के बिल्कुल चांस हैं, हम एकदम से गलत लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा टू द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू वन इज, ये दिए a अल्फा प्लस b बीटा माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सही है, कैसे ये देख लेते हैं सही है कि नहीं, ये भी सही सही नहीं है, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब अल्फा बीटा से मैं बोलूं परपेंडिकुलर डालो तो आप लिखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए बी बाय रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह ए लिखना था, सॉरी एक्स, ये बी इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा माइनस ए। आप देखिए ये क्या दिया है, ए के साथ अल्फा दिया है, ए के साथ अल्फा दिया है और बी के साथ बीटा दिया है, ये नहीं है, यानी नाइदर वन नॉर टू। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम बोथ वाले आंसर लगा सकते हैं, केयरफुल रहिएगा, ये मिस्टेक के बिल्कुल चांस है। इवन आप इस फॉर्म में भी परपेंडिकुलर डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिखते अल्फा अपॉन ए प्लस, देख लेते हैं आप, देखो बीटा अपॉन
बी माइनस वन अपॉन रूट वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर। अब देखिए क्या आता, बी अल्फा प्लस ए बीटा माइनस ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको पर ए के साथ इन्होंने अल्फा दिया है। कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे सी लगा सकते थे, बोथ वन इंटू वन और टू नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। पहले राउंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जहां उलझ सकते हो, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जब आपको कॉनिक्स पढ़ाया था तो डेफिनेशन बताई थी, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एन एलिप्सिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, याद करिए बिल्कुल, मैंने आपको कॉनिक्स पढ़ाते समय बोला था, और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था सर कॉनिक्स छोड़ना चाहिए कि नहीं, मैंने बोला था बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। आपसे पूछा है पीएस प्लस पीएस डैश वो होता है टू ए या लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो क्या आंसर हुआ इसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, बी बॉम्बे इज आर राइट आंसर, राइट। फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2x square minus 3y square minus 6 equal to 0 represent, यानी ऐसा दिया है 2x square minus 3y square equal to 6, यानी ये represent कर रहा है hyperbola को, क्योंकि x square upon 3 minus y square upon 2 equal to 1 लिख सकते हैं, right? Note down this question. Yes, next question देखते हैं, देखिए क्या है, the two parabola y square equal to 4ax, x square equal to 4ay intersect, आपको पता है ये दोनों पैराबोला जो हैं दो पॉइंट पे मीट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके 4a, 4a, आप रख के देख लीजिए 4a, जैसे आपने 4a रखा तो 16a square 16, और अगर ध्यान दें तो 0 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 4a, 4a। अब अगर लॉजिकली इसके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एट टू पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x, बिल्कुल ठीक है, y इक्वल टू x की लाइन भी ऐसे ही जाएगी, इसमें x और y इक्वल होता है तो ये इस पे मीट कर रहे हैं, ओनली एट द ओरिजन, नो बी नहीं होगा, एट थ्री पॉइंट नहीं, ओनली एट 4a 4a नहीं, तो ए इज अ राइट आंसर, वाई इक्वल टू एक्स पर टू पॉइंट पे मीट करेंगे, ध्यान रखिएगा वाई इक्वल टू एक्स के टू पॉइंट पे मीट करेंगे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इफ द लाइन 3x प्लस, सॉरी कंफ्यूज करने के लिए देखिए कितना अच्छा, 3y प्लस 4x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड 5x प्लस bx इक्वल टू 3 आर कॉन्करेंट, देन द वैल्यू ऑफ b। अब सुनिए, इसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट से कर सकते हो, xy की वैल्यू निकाल के इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है आपको पता है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इंटरसेक्शन निकालने में इसलिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि y की वैल्यू दी है, तो 3x प्लस 15 प्लस 4x इक्वल टू 1, ये हो गया 7x इक्वल टू माइनस 14, देन x इक्वल टू माइनस 2, x की जगह माइनस 2 रख दो, y 3 आ गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3 है, रख दीजिए माइनस 10 प्लस, सॉरी ये है 5x, सॉरी 5y, देखिए कितना 5y प्लस bx, y पहले लिख के कंफ्यूज किया तो y की जगह रखो 3, तो 15 माइनस 2b इक्वल टू 3, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो, 2b इक्वल टू 12, देन b इक्वल टू 6, दिस इज द राइट आंसर, अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 की इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दें, तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो b 5 माइनस 3, पहले ये वाली इक्वेशन लिख लो, फिर इसको लिख लो 1 माइनस 1 5, फिर इसको लिख लो 4 3 और माइनस 1, बस एक चीज याद रखिएगा कि x पहले लिखिएगा, y बाद में, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है, क्लियर है बात, नोट करिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वाई इक्वल टू एक्स एंड पासेस थ्रू 3 2, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन, एक सेकंड में एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेमडा पासेस थ्रू 3 2, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटने चाहिए आपसे, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 25 माइनस 125, जीपी है 625 माइनस 3125, nth टर्म पूछा है सीधा सीधा ए आर पावर एन माइनस 1, ए इज 25, आर इज माइनस 1, आर इज माइनस 5, माइनस 5 पावर एन माइनस 1। अब इस फॉर्म में दिया हो आंसर ठीक है, नहीं दिया है तो हम इसको बना सकते हैं कि कैसे, ये 5 का स्क्वायर है, ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अलग लिख लो, 5 की पावर n माइनस 1 अलग लिख लो, माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, राइट, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, डी दिल्ली में दिया हुआ है, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन बाय प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो कट एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस इज इक्वल टू, वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट की डायरेक्ट लेंथ का फॉर्मूला होता है टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। भूल जाओगे तो क्या करना है वो भी बताता हूँ। टू रूट एफ कितना है 49 बाय फोर माइनस ट्वेल्व यानी 1/2 तो 1 बचेगा, राइट। बाकी अगर भूल जाओ तो सिंपल इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस पूछा है तो एक्स जीरो होगा, एक्स स्क्वायर जीरो रख दो तो वाई स्क्वायर माइनस सेवन बाय प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, इसके कोऑर्डिनेट जीरो वाई वन जीरो वाई टू। जो देखिए इसलिए कंसेप्ट बना के पढ़ना चाहिए, फॉर्मूला याद है, पट से कर लिया आपने सॉल्व कर लिया, अदरवाइज मेथड भी मैंने आपको सब चीजों के बताया। बीस क्या हो जाएगा बोलो, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब वाई वन माइनस वाई टू दिस इज रूट वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई वन वाई टू रख दीजिए। सेवन का स्क्वायर कितना 49 माइनस 48 देखिए दिस इक्वल टू 1, कितना इजीली आ गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।